कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी को इज्जत और शोहरत पाकिस्तान में मिली है तो वो इमरान खान साहब को मिली है। आ दो तीन साल सा ईमानदार आया इमरान का साडा तबाही ला गया भजन कोई भी बेहतर नहीं है। जो इस बच्ची के साथ किया जिसने अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जिंदा लटका दे। नंबर वन नमाज शरीफ है ना, मैं तू ना बस कोई छोड़ ना लमी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान मुबशर खान आपकी खिदमत में हाजिर है, आप देख रहे हैं एक्सपोज़ इट। नाज़रीन आज मैं आवाम के अंदर मौजूद हूँ, आवाम से राय लेते हैं, आवाम से पूछते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इनको आप सबके सामने है पाकिस्तान के हालात। पाकिस्तान में तीन बड़ी जमातें हैं, उन तीन बड़ी जमातों में कौन सा ऐसा लीडर है, नवाज शरीफ, इमरान खान या फिर आसिफ जरदारी, कौन सा ऐसा लीडर जिसके आने से पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं प्यारे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मौजूदा पाकिस्तान के हालात को देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में तीन बड़ी जमातें हैं, उनके तीन लीडर हैं बड़े, इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात कौन बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान के हालात अल्लाह पाक बेहतर करेंगे इंशाल्लाह, और उम्मीद है अल्लाह पाक पे कि पहले हम सब ठीक होंगे, ना तो इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, ना तो इनकी दुकानें हैं, ना ये माल स्टॉक करते हैं। हाँ, कुछ गलतियां उनसे होती हैं और ज़्यादा गलतियां हमारी खुद अपनी हैं। जिस क्या गलतियाँ, हम इनको वोट देते हैं, ये गलती है हमारी, ये गलती है कि हम जो लीडर हक पे है ना उसकी बात करें और जो गलत है उसको गलत कहें, बस। मैंने यही सवाल किया, कौन बंदा हक पे है कौन गलत है? इमरान खान साहब हक पे हैं, और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर किसी को इज्जत और शोहरत पाकिस्तान में मिली है तो वो इमरान खान साहब को मिली है, लेकिन उनका टीम वर्क जो था ना वो निकम्मा निकला। मतलब आपको उनके टीम वर्क पे इख्तलाफ है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो खुद ठीक है, अच्छे हैं? खुद बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह सर, खुद अच्छे थे। इस वजह से एक छोटी जी मैं गल करता, सारे कहते हैं गंजे चोर है, जरदारी चोर, इन्होंने 75 साल खाधा, ये 75 साल चोरों ने कर्जा तकरीबन अद्धा आया, आ दो तीन साल साडा ईमानदार आया इमरान का साडा तबाही ला गया, जो 10 रुपये किलो चीज़ सी वो 70 रुपये हो गई। मुझे आप एक बात का जवाब, डबल तो डबल हो गया। मुझे एक बात का जवाब दें कि इन तीनों बड़े लीडर्स में कौन ऐसा लीडर है जो आपको लगता है कि वो मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, नवाज शरीफ, इमरान खान या आसिफ जरदारी? इन्हें तो सारे ना बेहतर रहेगा, नहीं, नवाज शरीफ इन्हें बेस्ट है, बेस्ट है, नवाज शरीफ बेहतर है। आप क्या कहते हैं भजन? कोई भी बेहतर नहीं है, कोई भी नहीं। इमरान नवा आया सी, इमरान खान इन चाहिए सी कुछ ना कुछ, जिम्मे आख्या तब्दीली में लियावांगा, तब्दीली की लिया तबाही ला दी थी, सारा कुछ करदा अद्धा सीगा। चलो जे चोरों ने खादा सीगा, कह मानदे सी नवाज शरीफ ने खादा सीगा, जो उन्होंने खादा ही सीगा ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आपके मुताबिक, आपके मुताबिक, एक मिनट मेरी एक बात करिए, मेरी बात सुनो। इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो कहते हैं किसकी है? मैं तो सीधा कहता हूँ, नवाज शरीफ की हुकूमत कैसे है? तीन सीटा नवाज शरीफ को अगे सोए सारे रल के, सारे वजीर आजम कौन है? वजीर आजम मानने शहबाज शरीफ है का, लेकिन तो वो खुद कहते हैं कि इस वक्त जमहूरी हुकूमत है। आप कह रहे हैं कि ना असि मानने नहीं जमहूरी हुकूमत है? आप नहीं मान रहे ना, आपके लीडर तो मांग रहे हैं। नहीं नहीं सर, लीडर ऐसे मांगते हैं, जमहूरी हुकूमत है आपके लीडर, देखें ना सवेरे मेरी बात सुने, इमरान खान तो रो रहा है ना कि जरा भी है वो आटा 35 रुपये किलो हों, दुकान वाला कहना अज रखे मैं तो 100 रुपये देना, जो साढ़ा 3000 बिल बनता ना साढ़ा यूनिट। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दें, आप कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ का आप अच्छे लगते हैं? नवाज शरीफ मान रहे हैं, नवाज मेरी बात तो सुने, मेरी बात सुन, कंट्रोल मेरी बाप डाले मेरे भाई, मेरी बात सुन के फिर जवाब दें। आपने कहा है कि नवाज शरीफ मुल्क के हालात बेहतर कर सकता है, दूसरा आपने कहा है कि नवाज जो जितनी भी नवाज शरीफ की हुकूमतें आई हैं वो जमहूरी नहीं थी, लेकिन अब वो हुकूमत में बैठ के कह रहे हैं, बयान दे रहे हैं मीडिया पे कि हमारी ये हुकूमत जो बनी है ये जमहूरी है, आवाम के वोट से बनी है, तो फिर आपके किस बात को मैं मान? एक मिनट सर, मैं यही कहना है, वो कहते ना जमहूरी हुकूमत है, इन्हों को कितनी सीटा सगिया, याद इन्हें कल्या की हैगी तो मैं जमहूरी मानदा, जो हूँ एक मैं तेरे नाल रल गया, का मेरा भाई रल गया, का इनकी गल ना मनी, इन्हें कहना मैं तो सवेरे भाई तेरे नाल हटदा तू डिग, इन्हें कहना मैंने 5 लाख चाहिए, इन्हें कहना तेन 5 लाख की तेन मैं 1 करोड़ रुपया देना, तू चुप रहना, मरते तो अभी गरीब भैन ना, बिल का कहने पे तुम सर, हूँ वापटाले इन्होंने वापटाले ने करे ना जो हुकूमत नौकरियां कर, इन्होंने चेक करना, इन्होंने करना यूनिट माफ, इन्होंने यूनिट इन्होंने पैसे पान। मेरी हूँ गल पूरी सुनो,
इन्हों भी करे आर्मी किसी का भी यूनिट फ्री ना दे। आप कहते हैं कि नवाज शरीफ अच्छे हैं, ठीक है, फिर आप कहते हैं कि उनकी हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर वो खुद क्यों कहते हैं आके कि हम जमहूरी हुकूमत है हमारी, हम आवाम के वोट लेके आए? फिर तो आपके मुताबिक इमरान खान सच्चा है ना? एक मिनट, आवाम का वोट लेके आने पिछली दफा जो इमरान खान आया वल्ला आलम असी कहने के असी रज के वोट पाए गंजिया नू लीग न पाए तो जिते गंजे जिते क्यों नहीं, जिस वक्त जितने का हक से ना दो क्यों नहीं जिते? इमरान खान सारे ने तुन के वोट पाए ने लेकिन नहीं उन्होंने बनाया। आपके मुताबिक इमरान खान ठीक है इस वक्त? ठीक है इमरान खान ठीक है, लेकिन अगर जमहूरी हुकूमत ये कहते हैं ना जो इस बच्ची के साथ किया जिसने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ जिंदा लटका दे, जिंदा ला के उन दोनों को लटका दे, उनको फांसी लगा दे, दूसरे बंदे की टांगे कांपेगी किसी बच्ची के साथ ज्यादती करते हुए। बड़ी बातें चलाई गई हैं कि मरियम नवाज एक फीमेल है, औरत है, और वो औरतों का हकूकों का बड़ा ख्याल करेगी, एहसास करेगी, तो आपके नजदीक कर रही है? मेरे ख्याल में मैं कहता हूँ जी वो दो मुजरम पकड़ना चाहिए, उनको सरेआम फांसी दे, हम कहेंगे कि मरियम नवाज जो है वो हक पे बात करती है और उसने मुल्क के लिए बेहतर किया इंशाल्लाह। तो आपको क्या लगता है कि इस मौजूदा हालात को कौन सा लीडर है? पाकिस्तान में तीन बड़ी जमातें हैं, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या पीटीआई है, इनके लीडर है इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी। क्या लगता है कौन किस लीडर के आने से पाकिस्तानी हालात बेहतर हो सकते हैं? सर मैं ये बात कहूँ, हम चाहते हैं कि जादू की छड़ी हो जिससे हम सुबह उठें हालात बिल्कुल सेट हों, हमें हर चीज़ रेडी मिले, हमें कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन हमने कभी अपनी जात की तरफ भी देखा कि हम जो हुकूमत कोई भी आती है, मैं भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे पास कार्ड भी है, लेकिन मैं उस पार्टी का नाम नहीं लूँगा। इस वक्त मैं सब पार्टियों को बोलूँगा, अगर पीपल पार्टी ने कुछ गलत काम किए हैं तो नवाज शरीफ ने भी किए हैं, पीटीआई ने भी किए हैं, ये आवाम खुद भी गलत है, ये रोड बना के दिया है, इसको कौन खराब कर रहा है? नवाज शरीफ कर रहा है, जरदारी कर रहा है, इमरान खान कर रहा है। क्या आवाम जब जारी बात है गाड़ियां चलेंगे खराब तो होंगे, गाड़ियों के बगैर दिखा देता हूँ आप देहातों में चलो, मैं एक देहात के रहने वाला हूँ, वहाँ पे गवर्नमेंट टोल मीनार या सीवरेज बना के देती है, बस एक महीने के बाद उसका हालात देखो, वो पैसा कहाँ से आता है, वो हमारे टैक्स से जाता है। देखे ना सर उसका कसूर है, अब जिस जो रोड चाइना ने बनाए हुए हैं 50 साल पहले भी बने हैं वो तो खराब नहीं होते, वो नहीं होते, ऑप्शन होती है ना, आम पब्लिक का जाना आना नहीं है, क्यों नहीं है? पुराने रोड आप देखें, बहुत सारे रोड है, पे गाड़ी जाती है वहाँ पे भैंस नहीं जा सकती, वहाँ पे भैंसों का कूड़ा, मोटर बस से हट के भी रोड है बहुत सारे जो चाइना ने बनाया, जो दूसरे मुल्क के आते हैं इंजीनियर आके बनाते, अगर आप बल्दियाती लॉ वहाँ पे कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि भैंसे रोड के ऊपर बांधी जाए, गोबर भैंसों का रोड के ऊपर फेंका जाए, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? पाकिस्तान के कानून में है ये जो बने हुए हैं ये कानून के मुताबिक है? जो हम खुद भी खुद को सही करें फिर हम दूसरे को गाली दें, पहले अपने आप को सही करें, पहले अपना मुहासबा करें। चलें आपका आपके मुताबिक कि हमें पहले अपने आप को बेहतर करना चाहिए, मुझे इस बात का जवाब दें कि इन तीन लीडर्स में से आपको कौन सा बेहतर लगता है? अगर सही पूछते हो जी सही बताएं, हाँ जार पास से अलग, लेकिन मेरे नज़दीक मैं ये नहीं कहता ये सब मेरे साथ एग्री होंगे, इस वक्त मौजूदा हालात में अगर पोलिटिकली देखा जाए जरदारी सबसे बेहतर है, अवामी तौर पर इमरान खान आगे जा रहा है, इमरान खान मतलब हालात को बेहतर आप हाँ, कहते हैं कि जरदारी ठीक करते हैं, उसकी जो उंगलियां है ना हाथ वो नब्ज पे है, वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल भी जानता है, वो पाकिस्तान की सियासत को भी जानता है, कहां से किसको क्या करना है, कौन सा मोहरा कहां चलना है। 5 साल हुकूमत रही है उसकी, उससे पहले भी पीपल पार्टी की हुकूमत रही है, 40 सालों से मुसल्लत है, 40 सालों में तो उसने पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं किए ना, तो जो दूसरी पार्टी PMLN है वो कब से हुक्मरान रही है? मैं वही कह रहा हूँ ये दोनों मुसल्लत नहीं रही ना, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, किसी को काम करने का 5 साल पूरा मौका दें उसके बाद अगले टाइम आए, आवाम देखें कि हाँ भाई किसने क्या किया है, इसने सही किया या गलत किया, इसने हमारे लिए कुछ किया या नहीं किया, फिर वो आवाम फैसला करे। देखें आपके मुताबिक जरदारी बेहतर है, जरदारी की मुसलसल अब तो मेरे ख्याल में सिंध में हुकूमत रहती उनकी है, तो सिंध के हालात इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बुरे हैं, कराची के हालात अंदरून सिंध के देख लिया, मैं अंदरून सिंध के देख रहा हूँ, मैं उनको भी ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल फरिश्ते हैं, उनकी पंजाब से फिर उनसे बेहतर जा रहा है, हाँ पंजाब तो बेहतर जा रहा है तो, लेकिन केपी के भी थे ये रहता भी पंजाब जे ते हार तो उधर गया खड़ा है, बस ये बंदे बिच फिरदे ना खांदे उन्ना दे इंतकाल भी उन्होंने देंदे ने, नंबर 1 नवाज शरीफ है ते एवे ना मैथू ना बस कोई छोड़ना लवी, तो नंबर 1 नवाज शरीफ उनकी हुकूमत नंबर 1 ने,